हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के वर्किंग के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है और ट्रांजिस्टर का यूज क्यों किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, और उसका जो डिफरेंट एप्लीकेशन होता है, किस तरह से डिफरेंट सर्किट में ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है और सर्किट के मुताबिक किस तरह से डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म करता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और हाउ टू चेक ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर फॉल्टी है या सही है, तो एक ट्रांजिस्टर से जुड़ी अगर एक सारी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि एक ट्रांजिस्टर का वर्किंग कैसा होता है, किस तरह से एक ट्रांजिस्टर जो है वो काम करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर का एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो ट्रांजिस्टर का जो बेसिक काम है, मतलब ट्रांजिस्टर का पिन का नाम क्या होता है, इसमें कितने लेयर होता है, कौन सा लेयर का फंक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, तो उस वीडियो को आप जरूर देख ले। उसका लिंक मैं कार्ड में भी दे दिया है, तो वहां पे देख सकते हो, या तो आप डिस्क्रिप्शन का लिंक को भी फॉलो करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर के अंदर इस तरह का 3 लेयर्स होता है, जिसे हम पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाया हुआ है, और आगे मैं आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना के भी उसका वर्किंग समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, और इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए हमें इसे वोल्टेज देना जरूरी होता है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हमें 2 वोल्टेज सोर्स का जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों 2 वोल्टेज सोर्स को हमें ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए एक रूल है, तो उस रूल को हमें फॉलो करना है। जैसे इस रूल का जो पहला नियम है वो है ईवी को फॉरवर्ड में रखना है, यानी कि जैसे आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है, और ये जो बीच का पिन है वो बेस है, और ये जो पिन है कलेक्टर है। तो जो ई और बी का जो कनेक्शन है, इसमें जो हमें वोल्टेज जोड़ना है उसे हमें फॉरवर्ड में जोड़ना है। तो दोस्तों फॉरवर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ना और नेगेटिव में नेगेटिव को जोड़ना। और यहाँ पे जो बैटरी है उसका ये जो पिन है वो पॉजिटिव है इस तरह से, और ये जो पिन है वो नेगेटिव है। तो अब हम क्या करना है, इस नेगेटिव के साथ इस तरह से जोड़ देना है, और इस ये जो पॉजिटिव इंड है बैटरी का उसको ट्रांजिस्टर के साथ इस तरह से पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया फॉरवर्ड, यानी कि प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। और जो दूसरा रूल है वो है सीवी को रिवर्स में जोड़ना है, यानी कि ये जो कलेक्टर और ये जो बेस का जो इस तरह से मतलब एक जंक्शन है, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स में जोड़ना है। तो रिवर्स का मतलब हो जाता है अपोजिट। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जंक्शन है उसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो उस पॉजिटिव को हमें बैटरी के नेगेटिव लाइन के साथ इस तरह से कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो पिन है वो नेगेटिव पिन है बैटरी का, और ये जो बड़ा लाइन आप देख रहे हैं इस साइड में, उसको बैटरी का पॉजिटिव पिन बोला जाता है। तो हमें इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव है, तो उसे हमें इस तरह से पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये हो गया रिवर्स कनेक्शन, और ये हो गया फॉरवर्ड कनेक्शन। तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड में जोड़ने के बाद अब चलिए हम इसका ऑपरेशन जानते हैं। जैसे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और इस जंक्शन में जो चार्ज का नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ से थोड़ा सा भी चार्ज अगर यहाँ पे आता है तो ये जो चार्ज है वो मतलब इधर जाने की ट्राई करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो सेम चार्ज का मतलब क्या होता है, सेम चार्ज एक दूसरे को ठेलता है। तो बैटरी से जो भी चार्ज यहाँ पे आएगा तो वो चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज यहाँ पे जो चार्ज है उसको ठेलने लगेगा, और ठेलने के कारण क्या होगा, ये जो चार्ज है इसके अंदर जम्प कर देगा। तो इसमें जम्प करने से मतलब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो बेस जंक्शन है उसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन ये बहुत ही थोड़ी अमाउंट है, लेकिन यहाँ से जो आने वाला चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा है। तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर यहाँ के जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ का चार्ज खत्म हो जाएगा, और इसके अंदर ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सभी भर जाएगा। तो दोस्तों ये जो पी जंक्शन है उससे जो आने वाला थोड़ा चार्ज है, मानी इसका जो 5% चार्ज है वो बेस जंक्शन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उसको खत्म कर देगा, और बाकी जो 95% चार्ज है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद ये चार्ज को अब क्या करना है, इधर फ्लो होना है। तो इधर फ्लो होने के लिए मतलब इसके पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि ये अपने आप से इधर फ्लो हो पाए। तो दोस्तों इसको इधर फ्लो करने के लिए मतलब इधर जाने के लिए इसको एक पुलिंग पावर का जरूरत है, मतलब इस चार्ज को ताने वाला एक चार्ज का जरूरत होता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे भी पॉजिटिव है
और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये दोनों चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को ठेलने लगेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, अगर ये चार्ज इधर फ्लो होने लगे तो इसके साथ साथ ये चार्ज भी इधर फ्लो हो जाएगा। तो इसको बाहर खींचने के लिए हमें एक और बैटरी का जरूरत होता है। तो एक और बैटरी को हम इस तरह से रिवर्स में जोड़ते हैं, और रिवर्स में जोड़ने से आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव जो चार्ज है इस पॉजिटिव को पुल करेगा। तो इसको इधर तानने के बाद क्या होगा, यहाँ का जितने भी पॉजिटिव चार्ज है सभी इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ ही ये जो चार्ज यहाँ पे भरा हुआ था वो भी इसके साथ यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से एक ट्रांजिस्टर के अंदर चार्ज का फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है। और इसको फ्लो कराने के लिए हमें ट्रांजिस्टर को डबल वोल्टेज देना जरूरी होता है, मतलब एक वोल्टेज इस तरह से जोड़ना होता है फॉरवर्ड में, और एक वोल्टेज को इस तरह से जोड़ना होता है रिवर्स में। ये जो ट्रांजिस्टर है पीएनपी, उसका एप्लीकेशन मोबाइल के बोर्ड के अंदर किस तरह से होता है और इसका जो कनेक्शन है वो किस तरह से होता है, तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो कलेक्टर पिन है उसमें हमने एक लैंप को जोड़ा है, और जो इमीटर पिन है उसमें हमने पॉजिटिव का सप्लाई दिया है इस तरह से। जैसे आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर में भी वोल्टेज को फ्लो कराने के लिए हमने इस तरह से इसको इमीटर को इनपुट दिया था, और ये जो चार्ज है वो कलेक्टर से होते हुए बाहर आ गया था। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसी सेम प्रोसेस से मतलब हमने लोड को यहाँ पे जोड़ दिया है इस तरह से, इस जगह पे हमने लोड को कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह इससे जो भी चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा तो लोड को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हमने ये जो कलेक्टर इंड है उसमें एक लोड को जोड़ दिया है, और इमीटर से हम इस तरह से चार्ज सबका सप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मानिए जो वोल्टेज है इमीटर के अंदर वो 5 वोल्ट हम इसको दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 5 वोल्ट है वो इमीटर में भी जा रहा है और साथ साथ बेस में भी जा रहा है। तो दोस्तों ये जो बेस है उसमें चार्ज का जो नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो ये बेस जंक्शन है उसके अंदर बहुत ही कम चार्ज होता है। तो इस कम चार्ज को न्यूट्रलाइज करने, खत्म करने के लिए हमें बहुत ही कम वोल्टेज को देना जरूरी है। इसीलिए हमने इस लाइन में एक रेजिस्टर इस तरह से जोड़ दिया है, और रेजिस्टर जोड़ने के कारण ये जो बेस जंक्शन है उसमें जाने वाला वोल्टेज भी बहुत कम हो गया है। मतलब इसको हम एक वोल्टेज या 0.7 वोल्टेज से ऊपर देने के बाद इसका जो टोटल चार्ज है वो खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाने के बाद ये आसानी से इस तरह से फ्लो होके इस लोड के अंदर जाएगा और लोड काम करने लगेगा। तो दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे एक स्विच हमने डाल दिया है, तो इस जब भी हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ का चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, और इमीटर का जो वोल्टेज है वो कलेक्टर में जाके इस लोड को मिलने लगेगा, और लोड जो है वो काम करने लगेगा इस तरह से। लेकिन दोस्तों एक सर्किट में हम इस तरह का स्विच, मैनुअल स्विच नहीं डाल सकते। यहाँ पे मैंने आपको ऑपरेशन दिखाने के लिए यहाँ पे स्विच डाला हुआ है। तो एक सर्किट के अंदर इस स्विच के जगह पर क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जो मोबाइल का लाइटिंग सेक्शन के डायग्राम से बिल्कुल मैचिंग डायग्राम है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो बैटरी का जो 3.7 सप्लाई है उसको मैंने इमीटर पिन के अंदर दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर का इमीटर पिन के अंदर दिया हुआ है। और दोस्तों जो डिस्प्ले का लाइट होता है उसे मैंने कलेक्टर के साथ इस तरह से जोड़ा हुआ है। तो जब भी ये वोल्टेज मतलब इस लाइट को जाएगा तो ये लाइट ग्लो होने लगेगा। तो इस वोल्टेज को यहाँ पे सेंड करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है वो ऑटोमेटिक ही मतलब ये लाइट के अंदर तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो बेस है बीच में रुकावट दे रहा है। तो बेस का जो वोल्टेज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको हमें वो 1 वोल्ट का सप्लाई देना जरूरी होता है। तो दोस्तों इस जंक्शन को 1 वोल्ट सप्लाई करने के लिए हमने इस तरह से एक आईसी जोड़ा हुआ है, इसे हम स्विचिंग आईसी भी कह सकते हैं, या टाइमर आईसी भी कह सकते हैं, या लाइट आईसी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आईसी है उसका मेन काम क्या होता है, जब भी हमें ये लाइट को ग्लो करना है यानी कि लाइट को हमें ऑन करना है, उस टाइम पे 1 वोल्ट को यहाँ पे सेंड कर देगा, और सेंड करने के बाद इसका जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज है वो लाइट में जाएगा, और ये जो लाइट है वो काम करने लगेगा। तो एक काम कैसे करेगा दोस्तों, तो एक काम करता है जब हम टच या कीपैड या मतलब जो भी स्विच होता है स्विच को प्रेस करते हैं, तो इस लाइट आईसी को खबर हो जाता है, और लाइट आईसी के अंदर हमने टाइमर से टाइम सेट किया होता है, यानी कि 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, मतलब जितने भी टाइम हमने यहाँ पे सेट किया हुआ होता है उतना टाइम के लिए ट्रांजिस्टर का जो बेस जंक्शन है उसका चार्ज को ये खत्म कर देता है वोल्टेज सेंड करके, और वोल्टेज सेंड करके चार्ज को खत्म करने के बाद ये जो वोल्टेज है इमीटर के अंदर वो ऑटोमेटिक फ्लो होके कलेक्टर से होते हुए लाइट को चला जाता है, और लाइट क्या होता है काम करने लगता है। और जब भी इसका टाइम खत्म होता है तो ये जो वोल्टेज है उसका जो फ्लो है उसको बंद कर देता है, और बंद करने के बाद ये जो लाइट है वो भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से एक स्विच के जगह पे इस तरह का एक आईसी लगाया होता है, क्योंकि हम स्विच का यूज करके इसका कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये जो स्विच हमने यहाँ पे दिखाया था, ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन किस तरह से होता है वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्विच एक लगाया हुआ था, लेकिन ये स्विच के जगह पर क्या होता है, इस तरह से एक आईसी को डाला गया होता है, जो आईसी क्या करता है जब भी हमें जरूरत होता है तो उस टाइम पे मतलब ये बेस को
वन वोल्टेज सेंड करता है और बेस को वन वोल्टेज सेंड करने के बाद इसका जो चार्ज है खत्म हो जाता है और ये जो लाइट है या जो भी लोड हम यहाँ पे जोड़े हैं वो काम करने लगता है और इस तरह से एक ट्रांजिस्टर का काम होता है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब ये जो लाइट ऐसी है वो बेस को ऑन करने के लिए इसको वोल्टेज सेंड करना है, मतलब जब भी हम इसको मतलब कोई कमांड यहाँ से सेंड करते हैं कीबोर्ड टच या स्विच से तो लाइट ऐसी क्या करता है मतलब बेस को ऑन करने के लिए वन वोल्ट यहाँ पे सेंड करता है और ये जो वोल्टेज है यहाँ पे चला जाता है। लेकिन अगर ये वन वोल्ट यहाँ पे सेंड नहीं करके डायरेक्ट मतलब यहाँ से 3.7 वोल्ट लेके उसी को डायरेक्ट इसमें सेंड कर दे तो भी तो हो सकता था, मतलब ट्रांजिस्टर का यहाँ पे तो काम भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा भी किया जा सकता था, लेकिन ये जो वोल्टेज है मतलब सभी टाइम पे 3.7 नहीं हो भी हो सकता है, मतलब किसी टाइम पे आपका 10 वोल्ट 12 वोल्ट या 20 वोल्ट का भी सिचुएशन हो सकता है, तो उस टाइम पे ये जो वोल्टेज है उसका रेंज बहुत हाई हो गया और कोई भी हाई वोल्टेज एक आईसी को नहीं दिया सकता। एक हाई वोल्टेज किसी आईसी को अगर हम देते हैं तो आईसी में डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों इसीलिए अगर हमें कहीं पे हाई वोल्टेज या फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज या मतलब कहीं पे से डायरेक्ट हमें वोल्टेज सेंड करना है तो दोस्तों उस हाई वोल्टेज को हम आईसी को देकर और लोड को कभी सेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या होता है आईसी को डैमेज होने का चांसेस रहता है, मतलब आईसी बहुत जल्दी ही डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए अगर हमें ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो जितना भी लोड होगा हम वोल्टेज का वो सभी ट्रांजिस्टर को पड़ेगा, आईसी सेफली काम करेगा। तो दोस्तों आईसी कभी भी जो है वो सेफ जोन में रह के काम करता है, इसमें थोड़ा भी फ्लक्चुएशन मतलब होना जरूरी नहीं होता है। इसमें अगर फ्लक्चुएशन का इश्यू कहीं आ रहा है तो आईसी डैमेज होने का चांसेस बहुत जल्दी रहता है, तो इसीलिए इस वोल्टेज को बाईपास करके ट्रांजिस्टर में डाल के इस तरह से इस लोड को सप्लाई किया गया होता है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी सर्किट में बेसिकली जो ट्रांजिस्टर का रोल होता है तो इसी तरह का होता है, मतलब इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करा के अपना जो भी वोल्टेज है वो अपना लोड या कोई भी मतलब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हो उसको हम देके उसको काम को करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग और आगे हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसी तरह का वीडियो आगे भी बनाता रहूंगा आप सबके लिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।